नेपाल के अंडर 19 टीम गाइस दुबई के लिए रवाना हो चुका है, जो कि दुबई ऑलमोस्ट पहुंच गए होंगे नेपाल के अंडर 19 टीम एशिया कप खेलने के लिए। जो कि नेपाल टीम पहला मुकाबला पाकिस्तान से खेलेगा, 8 तारीख को खेलेगा। से बहुत बड़ा चांस है कि इस बार कहीं नेपाल के अंडर 19 टीम कुछ ना कुछ उलट फेर कर दे, जो कि तैयारी भरपूर करके जा रहे हैं। 4 से 5 प्रेस्टिक मैच खेले हुए हैं, 4 से 5 सीनियर टीम के साथ खेले हुए हैं, प्रेस्टिक किए हुए हैं, अभ्यास मैच खेले हुए हैं, नेट में पसीना बहाए हुए हैं। मोंटी देसाई आए थे, उनको कुछ सिखाए होंगे, कुछ बताए होंगे, जो अंडर 19 का जो कोच है वो भी कुछ ना कुछ बताए होंगे, कुछ ना कुछ राय दिए होंगे, कुछ ना कुछ उनको कोचिंग किए होंगे। क्योंकि नेपाल के अंडर 19 टीम देखा जाएगा इस तो ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है। कुछ बड़ा उलट फेर हो जाए या कुछ मिस्टेक कर दे या कुछ गलती कर दे तभी जाए कोई टीम नेपाल को हरा सकता है। क्योंकि नेपाल के टीम देखा जाए अंडर 19 टीम परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। चाहे खिलाड़ी से ले लो, चाहे बॉलिंग, चाहे बैटिंग, चाहे फील्डिंग, जितने आप डिपार्टमेंट ले लो, देखो तो मेन टीम से ज़्यादा अंडर 19 टीम पर भरोसा है। मेन टीम से ज़्यादा अंडर 19 टीम पर भरोसा है। गुलशन झा गए हैं अंडर 19 टीम में, तो अंडर 19 टीम और मजबूत हो गया। मिडल ऑर्डर में जाके बैटिंग भी कर लेंगे, नया बॉल से बॉलिंग भी कर लेंगे, पुराने बॉल से बॉलिंग भी कर लेते हैं, फुल पैकेज लेके आते हैं गुलशन झा। तो गुलशन झा जाने के बाद टीम एकदम मजबूत हो गया, जो कि देव खनाल भी बोले हैं। जाने से पहले इंटरव्यू हुआ था, कोच से भी इंटरव्यू हुआ था, तो वो लोग बताए हैं भाई कि हम लोग रेडी हैं, पक्का रेडी हैं गुलशन झा आने के बाद टीम में, और हमारी टीम मजबूत हो गया, मिडल ऑर्डर हो गया, बॉलिंग हो गया, नया बॉल या पुराना बॉल से गुलशन झा विकेट लेके दे सकते हैं। एक्सपीरियंस खिलाड़ी होना टीम में जरूरी है, जो कि मेन टीम के साथ गुलशन झा रहते हैं, मेन टीम के साथ तो ही खेलते हैं। तो अंडर 19 टीम में दोबारा एशिया कप खेलेंगे, क्योंकि मेन टीम के साथ एशिया कप खेले थे, श्रीलंका में खेले थे, अब ये दुबई में जाके क्या प्रदर्शन करते हैं, कितना तैयारी किए हैं हमारे नेपाल के खिलाड़ी अंडर 19 टीम, वो तो मालूम चल जाएगा 8 तारीख को। क्योंकि मेन मौका है, बेस्ट मौका इस बार दुबई में जाके झंडा लहराए, जो नेपाल का झंडा है पूरा दुनिया में नेपाल का झंडा लहराना चाहिए, इस बार दुबई में लहराना चाहिए और एशिया कप नेपाल में लाना चाहिए। कम से कम बड़ा उलटफेर करना चाहिए, इस बार नेपाल का झंडा लहराना चाहिए पूरा दुनिया में और दुबई में लहराना चाहिए नेपाल नेपाल करके। क्योंकि बेस्ट मौका है इस बार एशिया कप जीतना, एशिया कप में सेमीफाइनल पहुंचना, फाइनल में पहुंचना। और देखा जाए पूरा जो टीम है, टीम पूरा रेडी है, क्योंकि बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा पैकेज है नेपाल का अंडर 19 टीम, जबरदस्त है, शानदार है। क्योंकि आप देखे होंगे क्वालिफायर मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी आउट हो जा रहा तो जल्दी कोई ना कोई खिलाड़ी आके संभालता था, एक मैच बिना नहीं है, पूरे टीम में मैच बिना रहे, खाली एक ही खिलाड़ी नहीं कि देव खिलाड़ रन बना देंगे तो मैच जीत जाएंगे, अर्जुन रन बना देंगे तो मैच जीत जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो अंडर 19 टीम में ऐसा नहीं है, कोई ना कोई खिलाड़ी हर मैच में कोई ना कोई हीरो बनता है, कोई ना कोई मैच बिना निकल के आता है। गुलशन झा जाने के बाद अंडर 19 टीम में और अंडर 19 टीम मजबूत हो गया है, जो कि नेपाल में जब ये थे तो तैयारी किए, कि अभी ये निकल गए हैं, दुबई पहुंच गए होंगे, अब कितना तैयारी किए हैं, क्या तैयारी किए गाइस, वो तो जब पहला मुकाबला होगा 8 तारीख को पाकिस्तान से वो मालूम हो जाएगा। लेकिन पहले नेपाल टीम को पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बना के उतरना चाहिए, क्या कमजोरी है, अपना क्या कमजोरी है, उस पर काम करके जाना चाहिए, फुल प्लान के साथ जाना चाहिए, बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, फील्डिंग सही करना है, कैच नहीं छोड़ना है, पार्टनरशिप लगाना है, नया बॉल से विकेट लेके देना है, और जो हमारे मिडल में स्पिनर है उनको विकेट लेके देना है, ब्रेक टू लेके देना है, तभी जाके पाकिस्तान को हरा सकते हो। चाहिए तैयारी करके जाना चाहिए, जब तैयारी करके जाएंगे तभी जाके कोई बड़ी टीम को हरा सकते हैं। जो कि अंडर 19 हमारी जो टीम है, फिर मैं बोलता हूँ, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मजबूत है, चाहे इंडिया ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो, चाहे आप अफगानिस्तान ले लो, गाइस टीम सब सेम होते हैं, IPL खेलते हैं, इंटरनेशनल टीम के साथ भी रहते हैं, मेन टीम के साथ भी रहते हैं, बगल गाइस जब मैदान में उतरते हैं ना तो सब टीम सेम बराबर हो जाता है, सब सेम हो जाता है, चाहे पाकिस्तान, चाहे नेपाल, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान, चाहे नेपाल, अफगानिस्तान, सब जब मैदान में उतरते हैं तो सब टीम सेम हो जाते हैं। जो उस टाइम प्रेशर को हैंडल करता है, जो प्रेशर को ऑब्जर्व करता है, जो अच्छा क्रिकेट खेलता है वही मैच जीतता है। अदरवाइज ये बोलो कि उससे डरना, इससे डरना, कोई किसी से नहीं डरता है, ये क्रिकेट है भाई, जब तक एक बॉल तक नहीं खत्म हो, जब तक आप नहीं बोल सकते तो कौन टीम मैच जीतेगा, कोई नहीं बोल सकता है। तो आई होप, मैं दुआ करूंगा, मैं विश करूंगा, मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ कि मैं जो नेपाल की टीम हो जाकर अच्छा करे, प्रदर्शन अच्छा करे, एशिया कप इस बार जीत के लाए, नेपाल में लेके आए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते सेमीफाइनल पहुँचे, फाइनल पहुँचे, क्योंकि भरपूर तैयारी करके जा रहे हैं हमारे नेपाल के खिलाड़ी अंडर 19 के टीम। तो गाइस क्या लगता है कि नेपाल की जो अंडर 19 टीम इस बार क्या बड़ा उलटफेर कर सकता है, क्या एशिया कप जीत सकता है, क्या फाइनल पहुंच सकता है, सेमीफाइनल पहुंच सकता है, कितना तैयारी करके गया, तो वीडियो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, अपना राय दे सकते हो गाइस। और वीडियो कैसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपना दोस्त यार में शेयर भी करो गाइस। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।